सफ़ेद हो रहे बालों से परेशान हो चुके हैं और यदि कोई ऐसी चीज़ खोज रहे हैं जो कि प्राकृतिक तरीके से आपके बालों को काला बना दे, बालों को झड़ने से बचाए, बालों की लंबाई को दुगनी तेज़ी से बढ़ाना स्टार्ट करें, बनाना आसान, लगाना आसान हो और साथ ही साथ रिज़ल्ट आपको तुरंत ही दिखाई देने लगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी लेकर आई हूँ। दोस्तों, जितना हो सके अपने बालों की केयर नेचुरल चीज़ों से करें, प्राकृतिक चीज़ों से ही बालों की केयर करें। बहुत ज़्यादा हम जब केमिकल की चीज़ें लगाते हैं ना, बाल हमारे ख़राब हो जाते हैं। बाज़ार वाले केमिकल वाले हेयर डाई का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इस नेचुरल हेयर डाई को बनाने के लिए मैं अपने किचन की ही चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है चाय की पत्ती, टी लीफ। बहुत बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट होती है चाय की पत्ती। चाहे हमारे स्किन की बात कर लीजिए, चाहे हमारे बालों की बात कर लीजिए, हमारे स्किन के लिए भी एक स्क्रब के जैसा काम करती है। भरपूर मात्रा में टी लीफ में विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है। आप किसी भी कंपनी की चाय पत्ती ले सकते हैं जिसका इस्तेमाल आप लोग चाय पीने में करते हैं। अगली चीज़ है कॉफ़ी। ये दोनों चाय की पत्ती और कॉफ़ी एक नेचुरल हेयर डाई के रूप में काम करते हैं। कॉफ़ी के अंदर जो कैफीन होता है ना, वो हमारे हेयर लॉस को कंट्रोल करता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है कॉफ़ी, इसलिए डैंड्रफ की समस्या को दूर करती है। कॉफ़ी बालों को सिल्की शाइनी बनाती है और साथ ही साथ हमारे बालों को मैनेजेबल बनाती है, मतलब बालों को आपस में उलझने नहीं देती है। यहाँ एक बर्तन में मैंने एक ग्लास पानी लिया है, एक चम्मच चाय की पत्ती डाली है, एक चम्मच मैंने यहाँ पर कॉफ़ी डाला है। अच्छी तरह से इसे बॉईल कर लीजिए। आप जितना हो सके दोस्तों इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें। कभी भी केमिकल वाले हेयर डाई का इस्तेमाल बालों के लिए कभी भी ना करें। बचे कुचे जो काले बाल हैं ना, वो भी सफ़ेद हो जाते हैं। गैस चालू कर दिया है स्लो फ्लेम पर। आपको इसे कम से कम 10 मिनट तक उबालना है ताकि चाय पत्ती का सारा अर्क इसमें आ जाए और कॉफ़ी की गुडनेस इसमें आ जाए। और फिर इस टॉनिक का इस्तेमाल वैसे भी सप्ताह में दो बार आप इसे अपने बालों पर लगा सकते हैं। बालों को कंडीशन करती है चाय की पत्ती दोस्तों, इतना अच्छी इसमें से चमक भी आती है और बालों का गिरना टूटना काफ़ी हद तक के रुकता है। अब अगली चीज़ इसमें डाल रही हूँ दोस्तों, वो है करी लीव्स। इसे हम लोग मीठा नीम कहते हैं, कढ़ी पत्ता भी कहते हैं हमारे यहाँ। रोज़ के खाने में इसका इस्तेमाल करें। करी लीव्स जो होती हैं आयरन से भरपूर, विटामिन से भरपूर होती हैं। करी लीव्स में बीटा कैरोटीन होता है और कुछ ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो कमज़ोर बालों को मजबूत बनाते हैं, नए बालों को उगाने में मदद करती हैं। करी लीव्स गंजे के सिर पर भी बाल उगा देती हैं, इतनी पावरफुल होती हैं। इनका इस्तेमाल सप्ताह में दो बार आप ज़रूर करें करी लीव्स का। कभी करी लीव्स को पीस कर इसका पाउडर बना लें, तेल में मिलाकर लगाएं, कभी करी लीव्स का टॉनिक बालों पर लगाएं। इस तरह से इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। रोज़ 4 से 5 करी लीव्स की पत्तियों को चबा चबा कर हमें ज़रूर खाना चाहिए। यहाँ पर सारी चीज़ें उबल चुकी हैं, मैंने 10 मिनट तक उबाला। देखिए एक गिलास पानी करीब करीब पौन गिलास रह गया है, और छान लीजिए और इसे टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करें। अगला इस्तेमाल करने का तरीका, जब हेयर वॉश करते हैं ना शैम्पू, तो शैम्पू को डाइल्यूट करने के लिए भी इस हेयर टॉनिक का इस्तेमाल करें, जो इतना ज़्यादा पावरफुल है ना दोस्तों, जो कि आपके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा। अपने पसंद का कोई भी शैम्पू मिला सकते हैं और हेयर वॉश कर सकते हैं। तो पहला तरीका था टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करना, बालों की जड़ों पर लगाएं। दूसरा था शैम्पू में मिलाकर। बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हैं तो चाहे तो एक चम्मच नारियल का तेल डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसका अगला इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप लोग बालों में मेहंदी लगाते हैं, इंडिगो पाउडर लगाते हैं या आंवला पाउडर लगाते हैं, तो आंवले पाउडर को इसी में आप मिक्स कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें, इंडिगो पाउडर और मेहंदी, क्या होता है, कोई केमिकल नहीं होता दोस्तों, पौधे की पत्तियाँ होती हैं। मेहंदी का प्लांट होता है, हर्ब्स होते हैं ये, इंडिगो का भी प्लांट होता है। इसकी पत्तियों को सुखा कर ग्राइंड करके इनका पाउडर बनाया जाता है और हम तक इस रूप में इंडिगो पाउडर और मेहंदी पाउडर बेचा जाता है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने ये हेयर टॉनिक बनाया है इसमें आप चाहें तो 4 चम्मच मेहंदी डाल सकते हैं या इंडिगो पाउडर भी डाल सकते हैं। हाँ, इंडिगो पाउडर की एक विशेषता है कि इसको कभी भी भिगा कर नहीं रखा जाता। जैसे मेहंदी को रात भर सोक करो, कलर बहुत अच्छा आता है, परंतु कभी अचानक कहीं जल्दी में जाना है ना, तब हमारे पास टाइम नहीं है इसे भिगा कर रखने का। आप इंडिगो लगाइए तब। इंडिगो पौधे की पत्तियां हैं, कभी बालों को नुकसान नहीं करती हैं।
इंडिगो को 5 मिनट भी भिगाएंगे ना काफ़ी, बस मिक्स करिए और लगा सकते हैं आप इसको। इंडिगो अपने डाई को तुरंत ही रिलीज़ करता है, मेहंदी अपने डाई को रात भर रखने से रिलीज़ करती है, और साथ ही साथ मेहंदी को लोहे के बर्तन में भिगाने से उससे कलर अच्छा आता है। इंडिगो को आप कांच के बर्तन में, प्लास्टिक में, जिसमें चाहे भिगा सकते हैं। बस इसे भिगाने के लिए जो भी हेयर टॉनिक का इस्तेमाल करें वो हल्का गर्म होना चाहिए। ठंडे पानी में इंडिगो पाउडर को भिगाया नहीं जाता है। मेहंदी को भिगा सकते हैं पर इसको नहीं भिगा सकते, इसको, क्योंकि ये अपने डाई को तुरंत रिलीज़ करता है। एक कॉटन ले लिया रुई, आप उसकी सहायता से इस टॉनिक को पूरे जड़ों पर लगाएं। मैंने इसे बहुत गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाया है। कई बार क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे बाल हमारे सफ़ेद नहीं हैं, केवल कुछ कुछ बाल ही अगर हमारे सफ़ेद हैं। आप इस टॉनिक को पूरे बालों पर लगा लीजिए, आधे घंटे लगा कर रखिए। आधे घंटे के बाद प्लेन वाटर से हेयर वॉश करें। देखिए, मैं खुद भी अपने बालों पर इसी तरह से लगाती हूँ। मेरी खुद की उम्र आज 58 ईयर है और अब मेरे कुछ कुछ बाल ही सफ़ेद हैं, ज़्यादा सफ़ेद नहीं हैं। कॉटन से लगाएं, ब्रश से लगाएं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उस तरह से लगाएं। लंबाई पर भी लगा लीजिए बालों के। तो इसे बनाना कितना आसान है और सारी चीज़ें नेचुरल है। इंडिगो जो होता है दोस्तों, ये पौधे की पत्तियां हैं और कभी भी हमारे बालों को ये नुकसान नहीं करता है। हम लोग नेचुरल डाई के रूप में इन्हीं चीज़ों का तो इस्तेमाल करते हैं बालों को काला करने। तो ब्रश से लगाएं, कॉटन से लगाएं बालों की लंबाई पर। मैं खुद भी अपने हाथों से लगा रही हूँ और मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कभी कहीं अचानक जाना है और कुछ कुछ बाल सफ़ेद है ना, तो आप इसे फटफट तुरंत बनाकर लगा सकते हैं। अगर टाइम है, अगले दिन कहीं बाहर जाना है या सफ़ेद बालों को कवर करना चाहते हैं, तो फिर मेहंदी का इस्तेमाल करें। रात भर भिगा कर रखें लोहे के बर्तन में मेहंदी को। तो पूरी लंबाई पर मैंने इसे लगा लिया है और आधे घंटे के बाद ही हेयर वॉश करें। ये जितनी नेचुरल चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये कभी भी हमारे बालों को नुकसान नहीं करती, बल्कि आपके बालों का झड़ना भी रुकेगा। कलर भी मिल रहा है बालों को, बालों को कंडीशन भी करेंगे। ये जो रेमेडी है, अगला कि कमज़ोर बाल मजबूत होंगे, क्योंकि मैंने इसमें करी लीव्स का इस्तेमाल किया है। कढ़ी पत्ता, मीठा नीम की जो पत्तियाँ होती हैं, इतने विटामिन मिनरल होते हैं, प्रीमैच्योर ग्रे हेयर की समस्या को दूर करती हैं करी लीव्स। साथ ही चाय पत्ती, कॉफ़ी बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कलर के साथ ही साथ हमारे बालों में बहुत अच्छी चमक लेकर आती हैं। तो इस रेमेडी को ट्राई ज़रूर करें। एक कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को दुनिया की किस जगह से बैठकर देख रहे हैं। आप अपना नाम और जगह का नाम ज़रूर लिखें ताकि अगले वीडियो में मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। पूरे बालों की लंबाई पर मैंने इसे लगा लिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।